नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डी डी भार्गव। मैं पिछले 29 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ। मेरा एक ऑफिस करनाल में है, एक ऑफिस मेरा लुधियाना में है। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना अपनी विद्या को और बढ़ाया जाए, हिप्नोटिज्म को सीखा जाए, क्योंकि मैंने पढ़ा, बड़ी स्टडी की। स्टडी करने के बाद ये ज्ञान हुआ कि ये एक साइंस है, ये एक विद्या जो है, ये एक साइंस है, और इससे बहुत बेनिफिट होते हैं, कैरियर को लेके, हेल्थ को लेके, डिप्रेशन को ठीक करने को लेके। तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई, और कुदरती बात है कि मेरे ऑफिस में कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे को हमारे सदगुरुदेव भगवान जो ये श्रीमान एस के सिमाली जी हैं उनके बारे में बताया। मैंने YouTube से सर्च किया गुरुदेव को। सही मायने में पहले तो मैं ये सोच रहा था, अभी पता नहीं सीखा जाता है कि नहीं जाता है, अच्छा योग्य गुरु कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो, आप कोई भी चीज़ सीखने जाते हैं, किसी फील्ड में नए जाते हैं, तो आप सर्च मारते हो। बहुत सर्च किया मैंने YouTube पे, फिर जाके मेरा विश्वास गुरुजी पे बना और मैंने बात की, और बात करने से इतनी पॉजिटिविटी आई, मेरे को इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैंने मन में धार लिया कि मैं गुरुजी से ही सीखूंगा। और गुरुजी ने मुझे सिखाया, हम अपने बैच में और लोग भी थे, और बड़ी बढ़िया प्रैक्टिकल थ्योरी जो लेक्चर गुरुदेव ने दिए वो पूर्ण रूप से समझ आने वाले, और एक फैमिलियर माहौल में हमें किसी तरह का भी, किसी प्रकार की भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई, और गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से हमें हिप्नोटिज्म सिखाया। एक समाज में भ्रांति है इसके बारे में कि आप किसी को अगर हिप्नोटाइज करके कोई लूट कर सकता है, कोई गलत काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सामने वाले की इच्छा नहीं है तो आप हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकते उसको। और आपके पास देखो मोबाइल होता है, आप मोबाइल का कैसे यूज़ करते हैं? अच्छी तरह यूज़ करते तो वो अच्छा फल देगा। और गुरुदेव तो एक ही शिक्षा देते हैं अपने हर शिष्य को, देखो मैं ये विद्या सिखा रहा हूँ, अगर आप इसको बुरे के लिए करेंगे तो ये बुरे में काम नहीं देगा, आप अच्छा समाज की भलाई करो। उनका मुझे एक अच्छी बात लगी, उनका ध्येय ये है कि समाज से बुराई समाप्त हो और इस विद्या के द्वारा लोगों को हेल्थ की ट्रीटमेंट मिले, जो बीमार हैं वो ठीक हो जाए, और होते हैं ठीक, इससे होते हैं ठीक। और किसी के कैरियर में प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन में है, क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी के कारण मैंने बहुत बड़ी एक कीमत चुकाई है। तो फिर मेरे मन में ये आया था कि डिप्रेशन का क्या कोई इलाज है, और ये एक साइंस है, हिप्नोटिज्म एक साइंस है, इस साइंस से ही आप किसी का डिप्रेशन ख़त्म कर सकते हैं। तो और कैरियर को लेके तनाव है, पढ़ाई को लेके तनाव है, पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती, धन प्रॉपर तरीके से नहीं आता, बिजनेस प्रॉपर तरीके से नहीं चलता, मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे हर कार्य संभव है। तो मैंने गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। आप भी सीख सकते हैं, आप गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव का कि उन्होंने हमें ये विद्या सिखाई। आगे भी मैं और विद्या गुरुजी से सीखूँगा, और जो भी कोई भाई सीखना चाहता है, कोई बहन सीखना चाहती है, तो गुरुजी से ज़रूर संपर्क करें। तो वर्ल्ड हिप्नोटिज्म गुरुदेव का अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा। मैं गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप सबको भी नमस्कार, प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन खुशियों से भरे। हैप्पी दिवाली। हम बता रहे हैं इनका पिछले जन्म में, भार्गव जी, भार्गव जी इनका क्या नाम है पिछले जन्म में? सोहनलाल, पिता का नाम सोहनलाल, इसका नाम रवि, माँ का नाम मोहन।
वेरी गुड वेरी गुड। घर में कितने लोग हैं, घर में कितने लोग हैं टोटल? घर के लोगों के नाम बताओ, घर में जो जो भी परिवार के सदस्य हैं उन परिवार के सदस्यों के नाम बताओ। आपने वहाँ आपका घर है, अपना घर खोज के घर पे पहुँचिए और इनसे पूछो कि आपने वहाँ कौन से रंग के कपड़े पहन रखे हैं। कौन से रंग के कपड़े पहने, जोर से बोलो। नीले रंग के कपड़े डाले हैं। क्या है नीले रंग का, कौन सा कपड़ा पहना है? अच्छा शर्ट पहने हैं, नीले रंग की शर्ट पहने हैं वहां पर। की किस टाइप की मिट्टी है, ग्राउंड कैसा है बताओ सहज। 3-2-1-0 डीप स्लीप, वहां की मिट्टी बता सकते हो। वहां पे गुफा के उस पार का जो टाइप ऑफ सॉइल है, टाइप ऑफ जो मिट्टी है, अर्थ है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल यू आर वाचिंग देयर। कैसी कैसी मिट्टी है ये बताओ, कैसी मिट्टी है, कैसी है मिट्टी बताओ, कैसी मिट्टी है सहज, जोर से बोलो। कैसी मिट्टी है वहाँ की, कैसी जमीन है, प्रश्न का जवाब दो, बता सकते हो। 3-2-1-0 यस, कैसी मिट्टी है वहाँ की। वहाँ की मिट्टी कैसी है, बार बार पूछिए, मिट्टी कैसी है वहाँ की, वहाँ का सीन कैसा है पूरा बताइए। जोर से बोलो, कैसी है मिट्टी, कैसी है बताओ। पानी नजर आ रहा है वहाँ पे, मिट्टी कैसी है वहाँ पे, क्या नजर आ रहा है, पानी 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 जी। पानी किस, कैसा पानी, कहाँ से आया वो, पानी से रिलेटेड क्वेश्चन करो। कहाँ से पानी आया, झरने से आ रहा है, कहाँ है, कैसे वहाँ पे, सहज क्या है वहाँ पे, पानी कहाँ किस स्रोत से है, भरा हुआ है, उन्हें खुद बताने दो। आप केवल ये पूछो पानी कैसा है वहाँ पर, वो कैसा भरा हुआ दिख रहा है। हाँ ऐसा बोलने दो, चलो नदी के पास में देखो, वो नदी के आसपास में कोई आदमी, जानवर, कोई गांव। 3-2-1-0 डीप स्लीप, नदी के पास कौन कौन है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज सुनाई दे, जोर से बोलो।
खरगोश, नदी के पास खरगोश दिख रहे हैं, और क्या है? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं नदी के पास? अच्छा, नहा रहे हैं। नदी में पानी कितना है? नदी में पानी कितना है? बहुत है। नदी में पानी बहुत है। कौन सा सीजन है? सीजन कौन सा है वहां पर? वहां पे सीजन कौन सा है? गर्मी है, सर्दी है, क्या महसूस हो रही है? कौन सा सीजन है? अच्छा, अभी गर्मी का सीजन है। गर्मी का सीजन, कितना टेम्परेचर है वहां का अभी बताओ? कितना टेम्परेचर है वहां का? पचास डिग्री टेम्परेचर है वहां पे। अभी वहां पर दिन है कि रात है? बच्चे ना आ रहे हैं, पूछो दिन है कि रात है। ओ, बच्चा डूब रहा है। तो वहां अभी ये पूछो, वहां पे दिन है कि रात है? वहां पे दिन है कि रात है? दिन में कितने बजे हैं अभी वहां पे? दिन के कितने बजे हैं? कितने बजे हैं दिन के? दिन के कितने बजे हैं वहां पे? ग्यारह बजे हैं। अच्छा, 11 बजे हैं दिन में, 11 बजे का सीन है वो। आपको कोई चिंता परेशानी, जन्म की कोई चिंता परेशानी है आपको? क्या बता रहे कौन से साल की बात बता रहे? 1940? वेरी गुड। पास्ट लाइफ, पिछला जन्म, ये कब, कौन से सन की बात बता रहे हैं? कौन से सन की? 1946 की बात बता रहे हैं, 1946 में।